उन्होंने पहले कहा 75 पा, आए 40, अब क्या कहेंगे, अभी वो कह रहे हैं बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसका मतलब ये इन्होंने हार मान ली। चौंकाने वाला ये होगा शायद खुद भी जमानत ना बचा पाए। कांग्रेस की टिकट काफ़ी लेट हो गई है, कल करण दलाल जी ने भी बिना टिकट आए अपना नॉमिनेशन भर दिया, तो अभी क्योंकि दो दिन ही वक्त बचा है, 12 तारीख तक है, आज 10 तारीख है, 12 तारीख तक का वक्त है, लिस्ट कब तक आउट हो जाएगी? अच्छा, जिस तरह से विनेश को टिकट दिया गया, क्या पार्टी इसके पीछे भी कोई लंबी रणनीति अपना रही? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने आज अपना होडल से नामांकन भर दिया है, उसके बाद उन्होंने जनसभा की है, बात करते हैं उन्हीं से। जी चौधरी साहब, नामांकन के बाद जनसभा की कैसा रुझान है लोगों का? बहुत भारी, लोगों के अंदर बहुत उत्साह उमंग है, और अब देखें कि सभी प्रोमिनेंट लोग इलाके के सभी आए, 43 सरपंच हैं, 41 यहाँ पर थे, ऐसे ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, हसनपुर ब्लॉक के 21 में से 20 यहाँ पर थे, होडल के भी 2-3 को छोड़ करके सारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन समेत सारे, और हसनपुर के भी चेयरमैन समेत होडल नगर परिषद के करीब 15-16-21 में से यहाँ पर पार्षद थे, और सभी इलाकों के सारे जो मुख्य जो लोग थे, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पार्षद, मौजूदा जिला पार्षद, हल्के में 6 जिला पार्षद हैं, 6 के 6 7 हैं, तो ये एकदम ऐसा लगता है कि मामला बिल्कुल एक तरफा होने जा रहा है। लोग बड़ा भारी जोश है, अपने देखो जुनून से, जोश से आए, कोई कहीं किसी को भी कोई हमने साधन उपलब्ध नहीं कराया जी। सभी के सभी अपने साधनों से, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है, कुछ ट्रैक्टर से भी आए हैं जी। और जिस पे जो साधन मिला वो उसी से आए, और आपने देखा कि भी कितना भारी लोगों में जोश है। अच्छा, जिस तरह आपने तमाम मौजूद लोग, पार्षद या सरपंच या पूर्व सरपंच गिनाए, ये कितनी बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, तो वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थिति तो ऐसी है, कम से कम हम 2/3 वोट अपने विधानसभा में जो वोट पड़ेंगे उसमें 2/3 वोट हमें मिलने की संभावना है। अच्छा, आप और अब आपके पार्टी के बाकी लोग भी लगातार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अच्छा, एक और बात भी है कि इस बार बीजेपी ने कोई नारा नहीं दिया, जैसे लोकसभा में था 400 पार या पिछली बार विधानसभा में था 75 पार। क्यों कहेंगे, झूठ की दुकान की पोल खुल गई, इसी वजह से अब नारा कैसे थे। उन्होंने पहले कहा 75 पार, आए 40, अब क्या कहेंगे, अभी वो कह रहे हैं बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसका मतलब ये इन्होंने हार मान ली, इनके पास कोई सौदा नहीं है, बहुत बुरी तरह से इनकी हार होनी है, सिंगल डिजिट में सिमट सकते हैं। कांग्रेस भी क्या इस तरह का कोई नारा देने में विश्वास रखती है कि कितनी सीटें लाएगी? नहीं, कांग्रेस का अपना आकलन है, इन्होंने तो 75 पार का नारा दिया था, लेकिन हमने कहा था कि इस बार ऐसी जो परिस्थितियां हैं, हम समझते हैं कि वो 2005 में हमारी 67 सीट आई थी, उससे ज़्यादा जोश आज है, तो हम समझते हैं कि हमारी 70+ सीटें होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने काफ़ी दिन पहले ही विधानसभा सीटें अपनी डिक्लेयर कर दी थी एक लिस्ट में, उसके बाद से दोबारा लिस्ट नहीं आई। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट निकाली, पहले 32 लोगों की, फिर एक आदमी की, एक व्यक्ति की लिस्ट आई, फिर 9 लोगों की, तो क्या जो कांग्रेस की रणनीति है वो सफल रही है कि बाद में लिस्ट निकालने की? सभी पार्टियों का अपनी अपनी रणनीति होती है, कांग्रेस का जो टिकट के बारे में अलग से वो है कि यहाँ पर बाकायदा पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी में होता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में होता है, फिर CEC में जाता है, डिस्प्यूट होता है कोई सब कमेटी बना देते हैं, फिर जो है वो जाकर के फैसले होते हैं, उनका तो फैसला 2 आदमी ले लेते हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अमित शाह। तो ये क्या ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? या इनके यहाँ तो लोकतंत्र का है क्या? आप बताओ, नड्डा जी क्या लोकतंत्र के अध्यक्ष हैं? क्या मोहनलाल बड़ौली क्या लोकतांत्रिक है? नहीं, कांग्रेस ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। अब तो है ही, कांग्रेस ने तो लोकतंत्र को स्थापित किया है देश के अंदर, लोकतंत्र के खिलाफ तो ये लोग करते हैं, इनको तो
संविधान से डर लगता है, इसलिए संविधान को ही बदलना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि यहाँ पर कोई जो लोकतंत्र प्रजातंत्र कायम रहे। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी और माफ़ कीजिए जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हुआ, इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हुआ, किस तरह से देखते हैं, क्या कांग्रेस के वोट पर इसका कोई असर आने वाला है या आम आदमी पार्टी जिस तरह से अलग चुनाव लड़ रही है लोकसभा में आपके साथ थे? नहीं, इनका कोई असर नहीं होना, सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है और कोई लोग अपना वोट खराब करना नहीं चाहते, सबको पता है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है। ये बीजेपी की ही बी टीम है। इनेलो जब जरूरत होती, जब भी मौका आता है, जब भी बीजेपी के साथ खड़े मिलती है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा में भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। सत्ता से सवाल नहीं पूछते, कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। जेजेपी ने अपनी बिल्कुल ही दुर्गति करा ली, इन्होंने अपने पैसे ही विश्वसनीयता ख़त्म कर दी लोगों ने। अच्छा, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि इस बार जो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। हाँ, चौंकाने वाले परिणाम होंगे। पहले तो बहुत अच्छी वोटें इनको मिली थी प्रदेश के अंदर, अब मुझे ऐसा लगता है चौंकाने वाला ये होगा, शायद खुद भी जमानत ना बचा पाए तो चौंकेंगे लोग कि ये वही दुष्यंत चौटाला है, तो इनकी अपनी विश्वसनीयता ख़त्म हो गई। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा में 9 सीट हैं, पिछली बार हरियाणा जो आपके कांग्रेस से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, इस बार फरीदाबाद लोकसभा में क्या रहने वाला है? फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है। 9 में से कम से कम 7 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस की टिकट काफ़ी लेट हो गई है, कल करण दलाल जी ने भी बिना टिकट आए अपना नॉमिनेशन भर दिया, तो अभी क्योंकि 2 दिन ही वक्त बचा है, 12 तारीख तक है, आज 10 तारीख है, 12 तारीख तक का वक्त है, लिस्ट कब तक आउट हो जाएगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, सिंबल तो विड्रॉल तक भी दे सकते हैं, अभी उसमें काफ़ी समय है। और कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस क्या है, किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की। तो जिस तरह से बीजेपी में टिकट बंटने के बाद बगावत सामने आई है, तो क्या कांग्रेस उससे उत्साहित है? कोई इसमें उत्साह होने वाली बात नहीं है, कांग्रेस में तो किसी तरह की कोई बगावत नहीं हुई, छुटपुट होती है। और जहाँ तक बीजेपी की जो बगावत है वो आ रही है सभी जगह, लेकिन कितनी भी कोई बगावत हो, ये कुछ दिनों का वो रहता है, हर पार्टी में चलता है। कुछ जो बहुत मजबूत उम्मीदवार होते हैं उनकी अनदेखी हो जाती है, तो उनको इंडिपेंडेंट खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इंडिपेंडेंट भी काफ़ी लोग जीतते हैं, तो इसलिए जीतते हैं कि उनको न्याय नहीं मिला अपनी पार्टी से, तो ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाता है और उसे खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ता है कैंडिडेट के साथ साथ। अच्छा, जिस तरह से विनेश को टिकट दिया गया, क्या पार्टी इसके पीछे भी कोई लंबी रणनीति अपना रही? नहीं, क्या रणनीति, विनेश फोगाट एक देश के मान सम्मान बढ़ाया उसने, एक देश के जो बहुत खेल प्रतिभा है, और उसके साथ जिस तरह से सरकार ने व्यवहार किया, जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पीछे खड़ी हो गई सरकार, विनेश को न्याय देने के बजाय विनेश पर अत्याचार करने वालों के साथ जब सरकार खड़ी हुई मोदी जी और अमित शाह, तो लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची। और जब फ्रांस में ओलंपिक में उस बेटी ने वो कर दिखाया जिसको ये लोग चला हुआ कारतूस कहते थे, जो मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि ये ओलंपिक के काबिल ही नहीं रही है, ये ट्रायल भी देने का नहीं है, उसने ट्रायल भी दिए, यहाँ से सारी कुश्तियों से जीत करके वो ओलंपिक में वो पहुँचने के लिए सफल हुई। और ओलंपिक में पहुँचने के बाद जिस तरह से जो वर्ल्ड की जो सबसे मजबूत खिलाड़ी थी कुश्ती की, जो पिछले 82 कुश्ती लगातार जीती हो, जिसने एक भी कुश्ती ना हारी हो,
उस वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैम्पियन, चार बार के ओलंपिक विजेता को जिस तरह से धराशायी किया, प्रधानमंत्री के दो शब्द भी ट्वीट के रूप में नहीं निकले, अमित शाह के कोई नहीं निकले, और शुरू के ही पता नहीं उसमें कोई साजिश थी क्या थी कि वो सबसे बड़ी पहलवान से उनको बढ़ाया, और उसके बाद में फिर क्वार्टर फाइनल में उसने हराया, और उसके बाद सेमीफाइनल में हराया अलग अलग, एक ही दिन में तीन कुश्तियाँ, एक ही दिन में तीन कुश्तियाँ उसने मारी, और वो गोल्ड के लिए क्वालिफाई हो गई फाइनल में। जब फाइनल में पहुंच गई, जब सेमीफाइनल क्रॉस कर लिया, तो क्या उसका सिल्वर का भी हक नहीं रहा? और दूसरा, उसने पहले ही 12 मई को, तीन महीने पहले, ट्वीट करके बता दिया था विनेश फोगाट ने कि मेरे साथ कुछ भी इस ओलंपिक में साजिश हो सकती है, क्योंकि जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही चेला है, जो मैनेजर है वो भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, जो कोच है वो भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, ये कोई भी साजिश इसके मुझे पीने में या खाने में कोई चीज़ मिला करके ये मुझे कोई भी षड्यंत्र के तहत वंचित कर सकते हैं, और ये बात साबित हुई कि एक दिन पहले तो फिट थी, अगले दिन 100 ग्राम वजन फालतू हो गया। पहले तो ये था कि भाई 100 ग्राम वजन फालतू हो गया तो उसको तो जो जिससे कुश्ती थी उसको गोल्ड दे दो, उसको सिल्वर दे दो, लेकिन उस सिल्वर, भाई सिल्वर तक तो वो उसने वो जब तो क्वालिफाई थी, उस दिन तो उसका वजन सही था, 100 ग्राम क्या वजन है, वो क्यों हुआ क्या नहीं हुआ वो तो एक जाँच की बात है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र था। फिर उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उसको ट्रोल किया, सारे बीजेपी के सारे जो नेटवर्क है इनका उसमें विनेश को ट्रोल किया, उसकी हर्ट किया, उसकी आत्मा को हर्ट किया, और सारे देश को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने अपने राजनीति में कदम रखा, उसके लिए बहुत बहुत हमने स्वागत किया है, और इसका खामियाजा इनको सारे प्रदेश ही नहीं आगे देश में भी उठाना पड़ेगा। तो क्या विनेश को टिकट देके युवाओं और महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है कांग्रेस ने? अब बिल्कुल निश्चित तौर से, एक जो बहुत बड़े खिलाड़ी को पार्टी में शामिल हुई हैं और वो एक उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती है पार्टी में, जो उनको युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और भी कोई भी चीज़ उनको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई है। कांग्रेस कितना लाभान्वित होगी विनेश को टिकट देकर? क्यों नहीं, लाभान्वित पार्टी भी होगी और वो भी होंगे, सारी पार्टी का सिंबल है, पार्टी का कार्यकर्ता। अभी आपको पता है कि उसी जुलाना हल्के से अभी रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शन में 26,000 की लीड कांग्रेस की रही है, उस असेंबली सेगमेंट से जी। जिस असेंबली सेगमेंट से 26,000 से हम जीते हों, जब तक तो विनेश फोगाट नहीं थी पार्टी में, जब तो विनेश फोगाट तो यहाँ थी भी नहीं, वो तो ओलंपिक में भी जब तक गई भी नहीं थी, तब चुनाव में, तो उस समय 26,000 से लीड थी, इसका मतलब कि कांग्रेस का वहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो वहाँ पे कांग्रेस की भी मदद, विनेश फोगाट की अपनी शख्सियत, वो सारे मिलकर के भारी वोटों से जीतेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो उदयभान चौधरी, उदयभान जो उन्होंने होडल विधानसभा से अपना नामांकन भरा है, और अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि वो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार लाने के लिए भी आचान्वित हैं। हरियाणा तक के लिए होडल से सचिन गौड़।